तो ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, उसके हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। ये रीड मत करना, रीड करने में टाइम भी लगता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उसका मतलब बता देना, क्योंकि स्टोरी तो हमें पता ही है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट? आप मुझे बताओ ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है, मतलब द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स किसके बारे में है? हाँ बताओ। राइट राइट, व्हाट वाज द एज ऑफ बोथ? राइट फ्रॉम वेयर दे बिलोंग्स? एंड ओके, देयर ट्राइब वाज फेमस फॉर? राइट, तो ये यही क्वेश्चन है। हमारी ये स्टोरी दो लोगों के बच्चों के बारे में, आरम और मुराद के बारे में। वो दोनों भाई होते हैं, आरम 9 सालों का होता है, मुराद 13 सालों का होता है। ये दोनों अमेरिका को बिलोंग करते हैं, कारगोलियन ट्राइब को बिलोंग करते हैं, और इनके ट्राइब हमारी ऑनेस्टी के लिए फेमस होती है। क्लियर क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन वाई देयर ट्राइब वॉज फेमस? उनकी ट्राइब किस चीज के लिए फेमस थी? हमने एक बार बता दिया, फिर भी आप मुझे बता दो, दो चीजों के लिए उनकी ट्राइब फेमस थी, किस किस चीजों के लिए? और पुअर भी थे, माना पुअरनेस की वजह से फेमस कोई नहीं होता, बट टिक कह लो, डिसक्वालिटी मान लो, डी एडजेक्टिव मान लो, बट था यही कि जो मुराद और एरम की ट्राइब थी वो हमारे ऑनेस्टी के लिए और पुअरनेस के लिए फेमस थी। वो किसी भी सिचुएशन में झूठ नहीं बोलते थे, और वो ऑनेस्ट काफी थे लेकिन काफी गरीब भी थे। क्लियर। आप मुराद के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट मुराद? आप बताओ। राइट, हाँ खुश रवि था। और ठीक है, मुराद 13 साल का बच्चा था, वो काफी क्रेजी था, वो केयर फ्री था, वो कारगोलियन ट्राइब को बिलोंग करता था अमेरिका की। वो हमेशा अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहता था। मैंने आपको फैंटेसी का मतलब बताया था, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैंटेसी? सपनों की दुनिया, सपनों की दुनिया। वो सपनों की दुनिया में ही रहता था। हाँ, और वो बहुत ही ना महंगी महंगी चीजें लेने के सपने सोचता रहता था, भले ही वो बहुत गरीब था। ठीक है, आप एरम के बारे में क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो अबाउट एरम? गार्गोलियन। हाँ राइट, ही वॉज इनोसेंट, सिंसियर, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड बॉय हु वॉज हैप्पी विद द सिचुएशन इन विच ही लिव। वो अपनी कंडीशन से खुश रहता था जिसमें वो रहता था। गुड, अंकल खुशरव कौन थे? हु वॉज अंकल खुशरव? केयर फ्री लाइक। ये एक बहुत ही केयर फ्री मैन थे, ये बिल्कुल मुराद पे थे, मुराद इन पे गया था, बहुत केयरलेस थे ये, कभी भी किसी चीज पर टेंशन नहीं लेते थे। अगर कुछ भी इनके साथ होता तो ये सिर्फ कहते थे कि ये इसे तुमसे तुम्हें इससे कोई हार्म नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, ये तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बताओ, व्हाट वाज द फैंटेसी ऑफ एरम? एरम की क्या फैंटेसी थी, क्या सपना था एरम का?
हाँ, एक बार अपने जीवन में वो अपने आप हॉर्स राइडिंग करना चाहता था। हॉर्स राइडिंग एडम का सपना था, हॉर्स राइडिंग एडम की फैंटेसी थी। गुड, व्हाट हैपेंड वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ? ना 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 ना, रुको ना ना, वो ये पूछता पूछता कुछ नहीं है। वो सिंपल मुराद उसे कहता है, तुम आके मेरे साथ बैठ जाओ। वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो इस चीज के लिए श्योर होता है कि एटलीस्ट ये घोड़ा इसका तो नहीं हो सकता। एक सुबह मुराद एरम के घर आता है 4 बजे सुबह। एरम मुराद एक व्हाइट हॉर्स पे होता है। एरम ये बात देख के शॉक्ड हो जाता है कि मुराद के पास इतना अच्छा घोड़ा कैसे है, बट फिर भी वो कुछ पूछता नहीं है। क्लियर? Why Aram did not believe that the horse was of Murad? Aram को ये क्यों नहीं लगता था कि ये घोड़ा मुराद का भी हो सकता है? बताओ क्यों नहीं लगता था? उनकी फैमिली पुअर थी, वो रिच नहीं थी, और उनकी जो ट्राइब थी वो ऑनेस्टी और पुअरनेस के लिए फेमस थी। और उन्हें पक्का पता था उसे कि एरम इतना महंगा घोड़ा अपने पैसों से तो नहीं खरीद सकता। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस में, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप अपने आप भी बना सकते हो। यू आर एबल टू मेक इट बाय योर ओन? ओके देन, ओके।